वेलकम YouTube चैनल पांडा ब्लॉग्स तो मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए कंटेंट के साथ हम लोग जा रहे हैं फिर से एक मिनी आउटिंग पे तो मतलब जा रहे हम लोग कोई नया कैफे चेकआउट करने नई नई डिश ट्राई करने तो चलते हैं हमारे मिनी आउटिंग की ओर तो देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है ये वीडियो में बने रहिए वीडियो के एंड तक ऑल स्टेट गाइज दिखा दे कहाँ जा रहे हम लोग हम लोग कैसे जा रहे चलो फिर चलते हैं। तो हम लोग अपने स्पॉट पे आ चुके हैं फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये आउटर लुक है कैफे का और यर द कैफे नेम इज द होम मेड कैफे आउटर लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था स्टार लैंप्स लगाए हुए थे और ये इधर आई और मेरे को बोल रही है ये भी ले वो भी ले अभी वो मुझे बता रही थी कि कैसे लेना है कैसे नहीं तो इट्स ओके आई लिसन टू हर समाइम्स एंड समाइम नॉट बहुत ज़्यादा बड़ा कैफे भी नहीं है बहुत ज़्यादा कोजी भी नहीं है काफ़ी अस्थेटिक और ऐसा होम वाइब दे रहा था जैसे कि उसका नाम है होम मेड तो एकदम होम टाइप वाइब्स थी एकदम विंटेज वाइब्स थी तो इधर थे डिशेस काफ़ी अच्छे अच्छे थे तो मैं सी थ्रू कर रही थी मेन्यू को और देख रही थी कि क्या मंगा सकते हैं तो वी हैव सीन द मेन्यू एंड वी हैव ऑर्डर्ड आर फूड एंड ड्रिंक्स वॉट एवर वी लाइक्ड और वी वॉन्ट टू ट्राई तो आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, अच्छा है एकदम कूल एकदम विंटेज वाइब दे रहा है जैसे ओल्ड घर नहीं होते वैसे लग रहा था ये एकदम छोटा सा सेटअप लग रहा था काफ़ी क्यूट सा तो आप लोग देख सकते हो लैम्प्स भी काफ़ी अच्छे थे ऊपर वॉल पे भी ये लोग ने कुछ कोर्ट्स वगैरह लिखे हुए थे होम मेड अ प्लेस वेयर हैप्पीनेस इज देर आर सो मैनी रीजन्स टू बी हैप्पी टूडे एंड ऑल दैट स्टफ काफ़ी अच्छा कोजी और विंटेज वाई आ रहा था आप लोग देख सकते हो ये लोग का ये वॉल हैंगिंग एंड डेकोरेशन वगैरह ये लोग ने किया था एंड हैव द टेबल र यू आर सिटिंग सो यू हैव आर फर्स्ट डिश यर हम लोग ने सैलेड मंगाया था इन लोग का स्पेशल था होम मेड ग्रीक सैलड तो उसको खाते खाते थोड़े हम लोग ने बुक्स भी रीड किए तो मैं देख रही थी कि क्या है इसमें पूरा पूरा तो ऑबियसली रीड नहीं कर सकती थोड़ा बहुत रीड किया जितना समझ में आ रहा था इस, इस वाला जो बुक था इस पर शायद मूवी भी बनी है आई थिंक सो मेरी फ्रेंड बोल रही थी तो पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे और उसके बाद आया हमारा दूसरा डिश यह वेज नाचोज वेजिस थे इसमें सालसा सॉस था और ऊपर से चीज हेजल नट फ्रैपे टेस्ट करके बताओ कैसा है आशीष के ड्रिंक के बाद आ गया था मेरा ड्रिंक जो था आइस्ड वेनिला लैटे तो उसके साथ एक कुकी भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया ये था हमारा थर्ड डिश जेलो चीज फॉन्डे ब्रेड क्रूटॉन्स और सॉर्टेड वेजेस के साथ था ये और ये हम पागल हरकत करते हुए एंड गोज द क्रूटॉन डिप उसके बाद हमारा थर्ड ड्रिंक आ चुका था ऑरेंज एंड चिया सीड्स चिया सीड्स एंड खट्टा खट्टा ऑरेंज का अच्छा टेस्ट आ रहा था तो ये था वेज लजानिया विथ गार्लिक ब्रेड तो इधर हमारी वापस से थोड़ी मस्ती चालू हो चुकी थी ये मेरे पास आके मेरे को बोल रहे मेरा पेट भर गया है तो मैं बोली इतनी मोटी इतना जल्दी तेरा पेट कैसे भर गया तो फिर बोलती है लुक हु और इतना गंदा उसने मुझे देखा मैं बोली मैं पतली हो रही हूँ एन ऑल एन ऑल हम लोग का ऐसी कैट फाइट चलता रहता है और हमारा हो चुका था खा के बिल विल पे करके हम आ गए थे बाहर और मैंने इसको बस ऐसा बोला कि थोड़ा स्कूटी उधर लगा दे ताकि हम लोग फोटो वगैरह ले सके तो इस लड़की को देखो ये क्या कर रही है एक्चुअली थोड़ा मेरा स्कूटी में भी है प्रॉब्लम तो उसके बस का बाहर था फिर भी ओकी <laughs> हम आ चुके हैं बाहर रोड को आप देख सकते हो अगर जाना पहचाना लग रहा है तो वेल एंड गुड उसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ और ये आ गए हम लोग घर में अपना हेलमेट रख हो डिक्की में उसके बाद चलेंगे ऊपर काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे हम लोग क्योंकि मैं काम पे से डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोल सकते काम पे से गई मैंने इसको पिकअप किया फिर घर आए फिर रेडी हुई तो मतलब मीन्स रेस्ट नहीं मिला ये मैं वापस आ गई द फ्लेज ऑफ मी फिर हम लोग एंटर कर रहे बिल्डिंग में प्रिंट विंट लगा लिया हमने चलते हैं लिफ्ट में अभी और ये आज इधर ही रुकने वाली है ये बाद में डिसाइड हुआ था इसकी मम्मी को मना लिया था हमने रुक गई थी फर्स्ट नाइट आउट एट माय होम ऐसा कुछ भी नहीं है आती है वो रहती है मजा आता है काफी ऑब्वियसली दोस्त लोग आएंगे तो मज़ा ही आएगा लाइट वगैरह चालू की और इसकी तो आदत है कहीं से भी आने के बाद आ चुके हैं कैफे से मैं घर आ गई हूँ अपने दूसरे घर और मैं चेंज कर लिया है बाल में तेल वेल लगा लिया है क्योंकि मैं काम पे से डायरेक्ट गई थी तो मैं थोड़ा थक वक गई थी और कल मेरा हेयर वॉश का डे है अगर आप लोग को कैफे का फूड एनवायरमेंट कुछ भी अच्छा लगा हो तो मैं आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगी कैफे का लोकेशन लोकेशन या तो फिर मैं एड्रेस डाल दूंगी जो कि ओशीवरा में है द होममेड कैफ़े तो काफ़ी अच्छा था रिव्यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फोर पॉइंट फाइव मतलब काफ़ी अच्छा एम्बियंस था रीज़नेबल भी था ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था और डिशेस काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे अगर कुछ अलग खाने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग विजिट कर सकते हो अगर आपके घर के पास में नहीं भी है तो आओ थोड़ा एक्सप्लोर करो और अगर ऐसे खाने खाना अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना मेरी वीडियो को तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट या तो ब्लॉग में टिल देन सब्सक्राइब टू तो माय चैनल एंड गुड नाइट गाइस लव यू ऑल सब्सक्राइब कर दो पांडा ब्लॉग्स को जल्दी जल्दी हम लोग अपना फैमिली बड़ा कर लेते गाइस बाय बाय गुड नाइट